हेलो एवरीवन, आई एम नैना एंड यू आर वाचिंग साई बाबा इन्फोटेक चैनल ट्रेडमार्क ऑफ नॉलेज। चलिए हम अपने आज के प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में मैं आपको सिखाने वाली हूँ के लिए यहाँ हूँ इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। जब भी हम कहीं किसी से मिलते हैं तो वो आपसे पूछता है कि और कैसे, कहाँ, यहाँ पे क्या कर रहे हो ये और वो, तो आप उसके लिए जवाब देते हो ना कि मैं इस काम के लिए यहाँ आया हूँ, या बोलते हो कि अरे मैं ऐसा करने के लिए यहाँ आया हूँ। तो आप उसी को इंग्लिश में बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे, आज हम यूज़ करने वाले हैं आई एम हेयर टू का। आई एम हेयर टू प्लस वर्ब, इसका मतलब होता है के लिए यहाँ हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ मैं पिज्ज़ा खाने के लिए यहाँ हूँ, तो मैं स्टार्टिंग कैसे करूँगी, आई एम हेयर टू, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, खाना, ईट, और जिसको भी खाने के लिए, जो भी खाने के लिए आप गए हो वो आप लगा दीजिए। आप पिज्ज़ा खाने गए तो आप पिज़्ज़ा लगा दीजिए, आप बर्गर खाने गए तो आप बर्गर लगा दीजिए, आप छोले भटूरे खाने गए तो वो जो भी आप खाने गए वो आप बोल सकते हैं। तो मैं पिज़्ज़ा खाने के लिए यहाँ हूँ, आई एम हेयर टू ईट पिज़्ज़ा। चलिए, मैं अपना कूरियर लेने के लिए यहाँ हूँ, मैं अपना कूरियर लेने के लिए यहाँ हूँ। आप कूरियर लेने के लिए यहाँ हूँ, चाहे मैं अपना गिफ्ट लेने के लिए यहाँ हूँ, मैं अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए यहाँ हूँ, कुछ भी आपको अगर ऐसा बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे, आई एम हेयर टू रिसीव माई कूरियर, ठीक है। यूज़ किसका सीखा हमने आज, आई एम हेयर टू प्लस वर्ब का। तो यहाँ पर आप किस लिए हैं, आप अपना कूरियर लेने के लिए हैं, या मैंने आपको दो तीन एग्जांपल्स और बता दी कि आप अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए यहाँ पर हो। अब अगर अपॉइंटमेंट लेटर की बात आएगी तो फिर हम कूरियर की जगह पे अपॉइंटमेंट लेटर लगा देंगे, है ना। गिफ्ट लेने के लिए होगा कि भैया मैं अपना गिफ्ट लेने के लिए यहाँ हूँ, तो हम कूरियर की जगह पर हम गिफ्ट लगा देंगे, वो कोई इशू नहीं है उसमें। मैं पार्टी अटेंड करने के लिए यहाँ हूँ। अब जैसे मान के चलिए आप किसी कोई ऐसे पार्टी में जाते हो, आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, बाहर ही खड़े हो, लोग आपसे ऐसे हालचाल पूछते हैं कहाँ और यहाँ कैसे आना हुआ, तो अपन क्या बोलते हैं, यार मैं पार्टी अटेंड करने के लिए आया हूँ, मैं शादी अटेंड करने के लिए आया हूँ, मैं फंक्शन अटेंड करने के लिए आया हूँ, इस तरीके से बोलते हो ना। तो जब भी आपको ऐसा कुछ बोलना हो कि मैं पार्टी अटेंड करने के लिए आया हूँ, मैं फंक्शन अटेंड करने के लिए आया हूँ, मैं शादी अटेंड करने के लिए आया हूँ, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आपको बोलना पड़ेगा आई एम हेयर टू अटेंड अ पार्टी, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ भी बोलना हो तो आप आई एम हेयर टू प्लस वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब होता है के लिए यहाँ हूँ। मैं तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए यहाँ हूँ। सपोर्ट समझते हैं ना, अपन किसी का साथ देते हैं, किसी के अपन पक्ष में बोलते हैं, उसे सपोर्ट करना कहते हैं। तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आई एम हेयर टू तो लगाएंगे सही, और यहाँ पे समर्थन जो है, सपोर्ट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो समर्थन के लिए आप हो, तो यहाँ पे वो क्या, समर्थन जो है, सपोर्ट जो है, वो वर्ब हो गया, आई एम हेयर टू सपोर्ट यू। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ, आई एम हेयर टू हेल्प यू, ठीक है। कोरोना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यहाँ हूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना, मैं तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए यहाँ हूँ, सपोर्ट करने के लिए हो जाए, मैं मदद करने के लिए हो जाए, है ना, या तुम्हारा काम करने के लिए यहाँ हूँ, तो जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप इस प्लेस पर पुट कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला मैं कोरोना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यहाँ हूँ। अब देखिए, जागरूकता का मतलब होता है अवेयरनेस, ठीक है, बढ़ाने को राइज। चलिए, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम हेयर टू, ठीक है। आप किस चीज़ के लिए यहाँ पर, आप यहाँ पर एक अवेयरनेस रेज कर रहे हो, मतलब आप एक जागरूकता बढ़ा रहे हो, किसके प्रति, कोरोना के प्रति। अब कोरोना हो, कैंसर हो, पल्स पोलियो हो, या फिर आप कह सकते हो कि जो ये मतदान होते हैं, जो वोटिंग, वोट जो डलते हैं, तो आप उस चीज़ के लिए जागरूकता फैला रहे हो, आप साफ़ सफाई के लिए जागरूकता फैला सकते हो, ठीक है, आप पौधों की सेफ्टी के लिए जागरूकता फैला सकते हो, पानी बचाने के लिए कर सकते हो, जिसके लिए भी आप जागरूकता बढ़ाना चाहते हो, आप यहाँ पर इस प्लेस पे उसको ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम हेयर टू रेज अवेयरनेस फॉर कोरोना, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ जो आप लोग बनाइएगा प्रैक्टिस करने के लिए। मैं फिल्म देखने के लिए यहाँ हूँ, मैं इंटरव्यू देने के लिए यहाँ हूँ, मैं अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ हूँ, ठीक है। ये तीन सेंटेंस जो हैं, ये आप लोगों का यूट्यूब वर्क हैं, आप इनको बनाना, देखते हैं आप कितना इसको सही बना पाते हैं। और जो बाकी सेंटेंस मैंने आपको आज सिखाए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करो। जब भी आपको ऐसा कुछ भी बोलना हो के लिए यहाँ हूँ, तो आप जब भी इस तरह का कुछ बोलना चाहेंगे तो आप हमेशा आई एम हेयर टू प्लस वर्ब के रूप में उसे बोलेंगे।
वीडियो को आपने एंड तक देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार चैनल के साथ बनाए रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।